तो आज का टॉपिक है सम ऑफ एपी, यानी किसी भी एपी का सम निकालने का आज हम लोग सीखेंगे फॉर्मूला। तो आइए सबसे पहले देखिए इधर, सम ऑफ एपी को एस से सूचित करेंगे, एस से डिनोट करेंगे, और कितना टर्म को सम करना है ये आपके जहन में होना चाहिए कि कितना टर्म को हम सम करेंगे। तो अगर हम 10 टर्म को सम करना है तो 10 यहाँ लिखेंगे, अगर 2 टर्म को करना है तो 2, और n टर्म को करना है तो n, n मतलब यहाँ पर जो भी रखेंगे वो हो जाएगा ना। चलो उसके बाद फिर हमें एसएन का फॉर्मूला आता है कि n बाय 2 इंटू 2f प्लस n माइनस 1 इंटू t, एक हो गया एसएन का फॉर्मूला। देख लीजिए एक और फॉर्मूला एसएन का बन सकता है, एन बाई टू, टू ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस ए, हो सकता है ना, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो हो जाएगा एन बाई टू, ए को ए रहने दीजिए, और इतना दूर जो फॉर्मूला है वो किस चीज का है बोलो, एन का फॉर्मूला है ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एक एसएन का फॉर्मूला ए भी हो गया। तो ऐसे ही ब्रो, ऐसे ही ब्रो, हाँ जी, अगर क्वेश्चन में एन दिया हो, ए दिया हो और एन दिया हो तो एसएन निकल सकता है, या फिर क्वेश्चन में एसएन दिया हो डायरेक्ट, ठीक है, एसएन का वैल्यू दिया है और एन नहीं दिया है, ए दिया है एन दिया है तो एन निकल सकता है बिल्कुल। और एक और लास्ट टर्म वाला, लास्ट टर्म यदि दिया रहे तब क्वेश्चन में होता क्या है, करके लास्ट टर्म दे देगा, उसके बाद आपसे पूछेगा, तो एस बराबर सम बराबर हो जाता है एन बाई टू इंटू ए प्लस एन, सम बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस एन, ये तीन फॉर्मूले यूज होंगे किसके लिए बताओ, सम ऑफ। तुलक से एल मतलब लास्ट टर्म, भैया एल बराबर लास्ट टर्म, उतारिएगा तो उतार लीजिए,
चलो क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अब ये है आपका क्वेश्चन और इसमें हमको बताना है कि जोड़ करके कितना आएगा। तो सबसे पहले तो हमको पता करना होगा सम के लिए कि आखिर इसमें कितना टर्म है ना, 84 तक कितना टर्म है, ठीक है, ये पता करना होगा ना। और ध्यान रहे 7, 10.5, 14 ये सब जो है एक टर्म है, प्रत्येक एक टर्म है और टर्म का सम बताना है, यानी 84 तक ये टर्म चलेगा, 7 ऐसे 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 करके डॉट 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 कितना तक चलेगा, 84 तक ना। और हमको ये पता करना है कि 84 के बाद टर्म है ना, हाउ मेनी टर्म्स। तो इसके लिए हमें एन पता कर लेना होगा, एन बराबर, तो ए बराबर सबसे पहले 7, डी बराबर आपका 10.5 में से 7 गया कितना बचा, 5, 3.5, ठीक है ना। चलिए तो एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, एक हजार पर 7, एन कितना है नहीं पता, माइनस 1, टी कितना है 3.5, एन कितना दिया हुआ है 84। कहते हैं ना कि एन तक निकालो, तो 84 तक दे दिया, यानी एन दे दिया ना। चलिए एन नहीं देता तो फिर कोई उपाय नहीं था, एन अगर नहीं देता तो तुमको तो पता करना पड़ता ना कि कितना वा टर्न है। अब इधर करो, 7 + 3.5 एन माइनस 3.5, ये दोनों घट जाएगा 7 में से 3.5, 5, 3.5, तो 3.5 प्लस 3.5 एन बराबर 84 तो इधर है ही, 3.5 घट जाएगा 84 में 3.5, 5, 0, 8, 80.5 बराबर 3.5 एन बराबर 80.5 बटा 30.5, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, कितना बचा 305 में कटेगा, 305 से 2 बार नहीं कटेगा क्या, 4 से 5 से कटाओ, 5 × 6 = 30 और 5 × 5, 5 × 16 = 80 और 5 × 5 घटाया हुआ, ठीक है ना जी। इधर देख लीजिए, ठीक है, एन वाला कितना आ गया 23, यहाँ पर 3.5 के जगह हम लोग 30.5 लिख दिए थे, इसके कारण गलती हो रहा था। अब एन का वैल्यू अपन का आ गया, अब हम लोग निकाल लेंगे सम। सम निकालने के लिए एस एन बराबर क्या होता है, एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू आर। अगर एन नहीं पता था तो अगर सम दिया रहता तो एन भी निकल सकता था, लेकिन सम नहीं दिया हुआ है इसलिए दिक्कत हो जाता है। तो एसएन बराबर हो जाएगा, एसएन मतलब कितना वा टर्म, 23वां टर्म निकल रहा है ना, 23/2 23 × 46 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहां पर ए वाला फॉर्मूला भी रख सकते हैं, ए प्लस एन, ठीक है। तो एस 23 बराबर 23/2 इंटू ए कितना है 7 प्लस एन कितना है 84,
हो गया, तो एस 23 बराबर 23 बटा 2 इंटू कितना 91 गुना 91। पॉइंट भी देता है क्या? चलिए, तो 246 पूर्णांक के कोटा 2 आ गया आंसर, सम आ गया। तो देखो फॉर्मूला को सॉल्व कर दिए, अपना 2a और प्लस एन माइनस और डी माइनस करने से अच्छा है एक लगा दी वहां पर दिमाग और आ गया, समझ में आया? चलिए तो उसको उतार सकते हो आप लोग, उतारने में टाइम वेस्ट करोगे तो फिर अगला क्वेश्चन बोलना। इसको हम लोग ए थ्री का मतलब ए प्लस टू डी ऐसे हो गया। एस 10 बराबर एस 10 बराबर होता है एन बटा टू इंटू टू ए प्लस टेन माइनस वन इंटू एस 10 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक। तो एन कितना हो जाएगा, एन कितना हो जाएगा, क्योंकि एस एन एन 10 होगा ना, इंटू टू ए प्लस 10 माइनस वन इंटू 5 इधर गुना में आ करके इधर डिवाइड हो जाएगा बराबर 2a प्लस 90 हो गया। 25 7 से ध्यान से देखना 2a प्लस 90 इक्वेशन, दो इक्वेशन बन गया ना। तो अब हम लोग इक्वेशन एक में दूसरे गुना कर देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर गुना लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट गुना 2 माइनस इक्वेशन सेकंड, हम लोग को कर देते हैं हम लोग। तो फर्स्ट में दूसरे गुना करो तो 2a प्लस 4d बराबर 30, यहाँ 2a प्लस 9d बराबर 25 माइनस 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 कट गया माइनस 5d बराबर 5, तो d बराबर माइनस। d का वैल्यू कितना गया माइनस। अब ए 10 निकालना, तो ए 10 का ए 10 बराबर होता है ए प्लस 90, आपको ए पता है नहीं, तो ए निकालिएगा ना डी का वैल्यू रख करके। पहले डी का वैल्यू पुटिंग था, वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो ए प्लस 2 गुना माइनस 1 बराबर 15, तो ए माइनस 2 बराबर ए बराबर 17, ए 17 आ गया और डी माइनस 1, तो ए 10 बराबर क्या होता है ए प्लस 90 पता है ना, तो ए है 17 प्लस माइनस 9 बराबर ए 10 बराबर कितना हो गया 8, ठीक है ना। ए 10 बराबर आ गया 8, उतार सकते हो। फॉर्मूला से यूज कर लेते हैं, एस एन बराबर होता है एन बाई टू इंटू ए प्लस एन, ठीक है। तो 210 बराबर एन बाई टू इंटू 8 प्लस 62 हो गया,
तो 210 बराबर 10 बाई 2 गुना 70 कट गया 35 बार में 35n बराबर 210 तो 35 से कटेगा 7 से 5 बार में और 7 से 30 बार में 5 से 6 बार में n बराबर 6 ठीक है n बराबर 6 निकल गया तो d निकालना है ठीक है। अब n बराबर दिया हुआ है 62 और n बराबर 62 दिया हुआ है n का फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 62 ठीक है। n का वैल्यू तो दे दिया a प्लस n का वैल्यू 6 है तो 5 भी हो जाएगा 62 a का वैल्यू 8 है प्लस 5d बराबर 62 तो 5d बराबर ताकि घट जाएगा तो कितना हो जाएगा देखो घटाओ इसको 62 में से 8 गया कितना बचा 54 बचा तो d बराबर क्या हो गया 54 बटा 5 आंसर एवरी आंसर हो गया। उतारना है ना।